नमस्कार दोस्तों, पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नकल पर नकेल। जी हां, नकल एक ऐसा अपराध है जिसकी वजह से कई बार लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। भर्ती निरस्त होने के चलते कोई ओवरएज हो गया तो किसी के आर्थिक हालातों ने साथ छोड़ दिया। एक ऐसा दर्द है जो हर युवा के लिए नासूर साबित हो रहा है। पर दोस्तों, अब नकल करने वालों और करवाने वालों की खैर नहीं, अब उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में नकल करते हुए पकड़े जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लगाया जाएगा। इसमें शामिल शिक्षक या अन्य किसी के संलिप्त पाए जाने पर कुर्की भी की जाएगी। इस बार उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया जिनके खिलाफ एसटीएफ ने रिपोर्ट दी थी। परीक्षा पेपर भी डबल लॉक में रखे जाएंगे जिसका अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग की व्यवस्था भी कर रही है। नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नकल करने वाले छात्रों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार उन पर एनएसए लगाएगी। नकल में शामिल पाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं और पहली बार हर पेज पर बारकोड की व्यवस्था लागू की जा रही है। 3,30,00,000 कॉपियों पर बारकोड का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो इसके साथ ही जो चर्चा का विषय है यानी कि एनएसए, आपको बताते हैं आखिरकार एनएसए यानी कि रासुका है क्या। दोस्तों, योगी सरकार अब नकल करने वालों और करवाने वालों पर रासुका लगाएगी। दोस्तों, एनएसए को रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहते हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अपराध और साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर इस कानून की धारा का प्रयोग प्रशासन द्वारा किया जाता है। रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अधिनियम होता है। ये एक प्रिवेंटिव कानून है जिसका मतलब होता है कि किसी भी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। योगी सरकार अब नकल करने वालों पर रासुका लगाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं किसके तहत सजा का प्रावधान क्या है। दोस्तों, इसके तहत हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकतम 1 साल जेल में रखा जा सकता है। कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की शक्ति प्रशासन को सरकार देती है। यानी कि एनएसए के जरिए नकल पर रोक की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कई बार नकल गिरोह सक्रिय हुए और कई भविष्य जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला गया। लाखों युवा जो हैं इंतजार में बैठे रहे कि भर्तियां वापस से निकलेंगी और उनका भविष्य संवर पाएगा, लेकिन नकल गिरोह और नकलचियों के चक्कर में सारी चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह गई। इसलिए बेहद ज़रूरी है देश में नकल को लेकर बड़ा कानून और बने, नकल को लेकर सख्ती और बढ़े ताकि इस प्रकार के जो लोग इसमें लिप्त हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रही पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।